तो भाई बहुत कुछ हो गया अभी 2-3 दिन में। अगर मैं ट्रांसफ़र रूमर्स की बात करूं या फिर मैं यूएफए नेशंस लीग में जो मैचेस हुए हैं उनकी बात करूं। लेकिन बिफोर वी बिगिन, अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय द ब्रिलियंट वन फुटबॉल ऐप। इफ़ यू आर लुकिंग टू कैच अप विद ऑल द एक्शन दैट इज़ हैपनिंग अराउंड द यूएफए नेशंस लीग और वॉट एवर ट्रांसफर रूमर्स दैट आर सर्कुलेटिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल एंड ऑल द मैचेस एंड ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू यू नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ, वन फुटबॉल ऐप इज़ देयर टू हेल्प यू। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ। तो भैया कल मैच हुआ पोर्चुगल और स्पेन का, और मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब पता है क्या, दया सी आ गई मैच देख के प्लेयर्स को, क्योंकि एक तो स्पेन इतनी थकी हुई लग रही थी, मतलब इतना इंटेंस और एक ग्रूलिंग सीजन हुआ है, और मतलब एक आपने फ्रेंडलीज को ग्लोरीफाई करके एक अलग ही टूर्नामेंट बना दिया यूएफए नेशंस लीग, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत प्लेयर्स ने अपनी इस पे नाराज़गी भी जाहिर करी है, चाहे वो थीबो कर्टवा हो, चाहे वो केविन डी ब्रुइना हो। वो जब क्रिश्चियन एरिक्सन वाला अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ था यूरो में पिछले साल, उसके बाद काफ़ी प्लेयर्स ने इस पे आके अपना एक जाहिर किया था पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेली जा रही है, रेस्ट बिल्कुल मिलता नहीं है। सीज़न के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलता है 1 महीने का, उसमें रेस्ट मिलना चाहिए प्लेयर्स को, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा, प्री सीज़न के लिए सब चले जाते हैं और फिर नए सीज़न की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और मतलब बिल्कुल ही आप देखिए, कोई पर्सनल लाइफ नहीं बची है प्लेयर्स की बेचारों की, अभी सीज़न ख़त्म हो के चुका है और अब नेशंस लीग खेलने लग गए हैं। तो एक तो वो चीज़ थी, दूसरी पोर्चुगल आर एब्सोल्युटली टूथलेस, और मतलब इतना ज़्यादा अटैकिंग टैलेंट होने के बावजूद भी, मतलब ऑब्वियसली कल उन्होंने अपनी मेन स्टार्टिंग 11 तो खिलाई नहीं, जैसे डियोगो जोटा नहीं खेल रहे थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्टार्ट नहीं किया, बट स्टिल यू कुड सी देर वॉज नो गेम प्लान। एक दो चांसेस जो मिले रफ़ाइल लियाओ को, वो उन्होंने फ्लफ कर दिए, मिस कर दिया, मतलब बहुत मतलब ईजी चांसेस तो मैं नहीं कहूँगा, बट इंटरनेशनल लेवल पर मतलब यू आर दी अमंग द बेस्ट प्लेयर्स ना, आप अपने देश के सबसे अच्छे प्लेयर हैं, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट दोज चांसेस, तो वहाँ पर वो डिसअपॉइंटेड होंगे। ड्रॉ ज़रूर कराया मैच उन्होंने, लेकिन वहाँ पर स्पेन की बहुत ही ख़राब फिनिशिंग थी। एक तो कार्लो सोलेर ने जो चांस मिस किया, फिर एंड में बिल्कुल जोर्डी अल्बा ने जो चांस मिस किया, और भी एक दो हाफ चांसेस थे जो स्पेन कन्वर्ट कर सकती थी, और पोर्चुगल को वहाँ एक क्लियर कट चांस मिला और वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक फ़र्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। अब जैसे पोर्चुगल ने ना अच्छी फुटबॉल नहीं खेली है, जैसे वो यूरो भी जीते थे जो 2016 का, वहाँ पर उन्होंने कोई बहुत अच्छी फुटबॉल थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं खेली थी। अल्टीमेटली क्या होता है, जो कप कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जिनमें लीग प्लस नॉकआउट का सिस्टम होता है, उसमें आपको रिजल्ट्स मैटर करते हैं। तो वर्ल्ड कप जैसे बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है, 3 आपको मैच जो है वो आपको खेलने अपने ग्रुप में, उसके बाद राउंड ऑफ 16 का एक मैच, क्वार्टर फाइनल का एक मैच, सेमीफाइनल और फाइनल अगर आप पहुँचते हैं, तो 6-7 मैचेस आपको खेलने हैं, और 6-7 मैचेस में आपको, आप मान लीजिए आप चलिए एक ग्रुप मैच भी अगर हारना आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको 5-6 मैचेस ही हैं जिनमें रिजल्ट निकाल के आप ले के जा सकते हैं कप, और फिर आपके मतलब जो हिस्ट्री में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बोलता है कि आपने बहुत अच्छी फुटबॉल तो खेली नहीं थी, सिर्फ आप रिजल्ट्स निकाल निकाल के आप चैंपियन बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब रिजल्ट्स आते हैं तो कोई उस पर मतलब इतना टिप्पणी नहीं करता है, या कोई उसमें इतना घुसता नहीं अंदर कि भाई किस तरीके की फुटबॉल खेल रहे हो। फर्नांडो सैंटोस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो करना भी चाहिए कि किस तरीके की आप फुटबॉल खिला रहे हैं, जैसे तैसे आप वर्ल्ड कप में आए प्लेऑफ्स खेल के। अब यहाँ पर क्या है कि जितनी सक्सेस फर्नांडो सैंटोस ने दिला दी है पोर्चुगल को पिछले 5-6 साल में, उतना कोई भी मैनेजर या कोई भी टीम इस पोर्चुगल की नेशनल टीम को नहीं दिला पाई है। अब चाहे हम 2016 की बात कर लें, उसके जस्ट बाद जो यूएफए नेशंस लीग हुई थी पहली, हम उसकी बात कर लें, कुछ भी हम बात कर लें, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि भाई पोर्चुगल के पास 2 मेजर ट्रॉफीज़ है। और हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि पोर्चुगल एकदम ही ख़राब फुटबॉल खेलती है। अब जैसे आपको यूरो में याद हो बेल्जियम के अगेंस्ट जो मैच था जिसमें पोर्चुगल बाहर हो गई थी, जो थोरगन हैज़ार्ड ने एक स्क्रीमर मार दिया था, पोर्चुगल वर द बेटर टीम इन दैट गेम, बहुत चांसेस बनाए थे उन्होंने और समहाउ उनका लक साथ नहीं दिया उस दिन, एंड बॉल डिड नॉट जस्ट यू नो एंड अप इन द बैक ऑफ द नेट, और उस दिन अच्छा खेल रही थी पोर्चुगल बहुत। तो पोटेंशियल इज देयर, द टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है ना भाई, बर्नार्डो सिल्वा, ब्रूनो फर्नांडिस, डियोगो जोटा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ फिलिक्स का तो हमने कल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं देखा बिल्कुल भी गेम में। तो वो एक चीज़ होती है जो मतलब बोलती है, और मतलब
वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर रही है पोर्चुगल को इस समय, और स्क्वाड स्ट्रेंथ में तो कोई मतलब दो राय नहीं है। रूबन डियास जब इस स्क्वाड में आ जाएंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी डिफेंसिवली, लेकिन क्या फुटबॉल वो फिर और अच्छी खेल पाएंगे वो एक बहुत बड़ा डाउट है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल ये उठता है कि भाई क्या फर्नांडो सैंटोस को सैक करना चाहिए। भाई अब ये सिनारियों का आप ऐसे समझिए कि सांप ने है ना छछुंदर खा लिया है, ना निगलते बन रहा है ना ओलते बन रहा है। अब बात क्या हो गई है कि अगर आप फर्नांडो सैंटोस को अभी सैक भी कर देते हैं तो कितना सा टाइम बचता है वर्ल्ड कप में, ठीक है, और जो नया कोच आएगा कितने इंटरनेशनल ब्रेक्स मिल जाएंगे उसको वर्ल्ड कप से पहले, जो इस पूरा स्क्वाड है उसको अपनी फुटबॉल खिलानी पड़ेगी, अपनी तरीके से उनको प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले तो उनको अपनी प्लेइंग 11 आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि उनकी बेस्ट 11 क्या है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड स्क्वाड में बेस्ट 11 निकालना ही एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो क्या इतना टाइम है अब नए कोच के पास कि वो आके इससे बेहतर फुटबॉल खिला पाएंगे, तो वो वाली एक चीज़ है। और क्या आप अब फर्नांडो सैंटोस को कोच सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी फुटबॉल नहीं खिलाते, बट रिजल्ट तो आपको दिला रहे हैं, वर्ल्ड कप उन्होंने कहा था क्वालिफाई करा देंगे, करा दिया उन्होंने, तो आप किस बेसिस पे उनको निकालते हैं? तो यही वाली बातें। मौका था पिछले साल ये हार्ड कॉल लेने का, तो एक साल का टाइम ना काफ़ी होता है, वैसे तो एक साल का टाइम नहीं होता है काफ़ी, मिनिमम 2 या 3 साल एक आप कोच को देते हैं तब जाके वो एक अच्छी टीम बना पाता है नेक्स्ट बड़े टूर्नामेंट के लिए। बट स्टिल एक साल में फिर भी कोई एक नया कोच आके कुछ काम कर सकता था, बट अब तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इट वुड क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन इट वुड सॉल्व अगर आप फर्नांडो सैंटोस को अब जाके सैक करते हैं। हमने देखा था स्पेन की टीम बहुत अच्छी लग रही थी पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन वर्ल्ड कप के एक दो दिन पहले जब लुपेटेगी को सैक कर दिया गया और फर्नांडो हीरो को लाया गया तो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए, रशिया से पेनल्टी शूटआउट में बाहर हुए थे, लेकिन स्टिल आप देख सकते थे कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था और अनसेटल हो जाता है स्क्वाड, टीम पूरी अनसेटल हो जाती है और वो करना नहीं चाहेंगे आप वर्ल्ड कप से पहले, इतने टूर्नामेंट से पहले। तो देखते हैं क्या होता है, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कनंड्रम है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता फर्नांडो सैंटोस कहीं जाएंगे। आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, मतलब डू यू थिंक फर्नांडो सैंटोस को अभी सैक कर देना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप अब आ रहा है, अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, या फिर भाई अब जो भी है अब यही है सिचुएशन, रियलिटी यही है, उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है कि ये भाई गोल्डन जनरेशन है पोर्चुगल की, एंड माइट बी दी लास्ट वर्ल्ड कप फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और शायद इससे बेटर स्क्वाड उनको नहीं मिलता वर्ल्ड कप में पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो शायद उनके हाथ से निकल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं। भाई रूडिगर टू रियल मैड्रिड कन्फर्म हो चुका है, भाई बेहतरीन न्यूज़ रियल मैड्रिड फैंस के लिए, बधाई हो, बहुत ही शानदार प्लेयर आ गया है आपके पास, और इसकी बात तो मैंने डिटेल में कर ही ली थी डियर एंटोनियो रूडिगर में, तो भाई बधाई बहुत बहुत। उस्मान डेम्बेले इज़ वेरी क्लोज टू साइनिंग फॉर चेल्सी, ऐसी अभी न्यूज़ आ रही है, 2-3 आउटलेट्स ने रिपोर्ट कर दिया है, पर्सनल टर्म्स वगैरह अग्री हो गई हैं। टूकल इज़ ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ उस्मान डेम्बेले, तो बहुत मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है, बस एक बार आ जाए, एक बार कंफर्म हो जाए, फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उस्मान डेम्बेले विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू चेल्सीज फ्रंट लाइन अगर वो आते हैं तो, क्योंकि बात क्या है कि उस्मान डेम्बेले ठीक है, मतलब अभी नोटोरियसली इनफेमस है अपने इंजरी रिकॉर्ड को लेकर, और अगर हम उनके बार्सिलोना करियर की बात कर ले तो आधे से ज़्यादा टाइम वो इंजर्ड रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। और प्रीमियर लीग इतनी ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग लीग है और इतनी ज़्यादा फिजिकल लीग है, तो क्या उस्मान डेम्बेले इस लीग से कोप अप कर पाएंगे? और वैसे ही जहां उनको इतनी प्रॉब्लम्स हुई है फिट रहने में, क्या प्रीमियर लीग में वो एक सस्टेनेबल पीरियड के लिए फिट रह पाएंगे? वो एक चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोतारो मार्टिनेस ने क्लेरिफाई कर दिया है कि वो इंटर रुकना चाहते हैं, और स्पर्स और चेल्सी से उनका लिंक है और चेल्सी भी इंटरेस्टेड है उनमें, इवन दो मतलब लुकाकू जाएगा नहीं जाएगा, बट स्टिल दे आर लुकिंग एट लोतारो मार्टिनेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉरवर्ड्स में बहुत ना आना और जाना होगा इस बार समर विंडो में, मतलब 2-3 फॉरवर्ड्स तो डेफिनेटली जाएंगे और 1-2 फॉरवर्ड्स आएंगे अंदर, तो देखते हैं। और जूल्स कुंडे जो हैं उनकी भी जो खबर है वो काफ़ी मतलब अब पकड़ रही है पेस, और हो जाएगी वो डील भी थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा है देखने में। तो ठीक है, चेल्सी वापस एक्टिव हो गई है ट्रांसफ़र मार्केट में, अच्छा लग रहा है ये सब सुनने में, लेकिन डिटेल में इसमें तभी बात कर पाऊँगा जब एक बार न्यूज़ जो है वो कंफर्म हो जाएगी। और भाई गावी और जो पीके और वो जो न्यूज़ आ रही है भाई, अभी मतलब कुछ कॉन्क्रीट तो देखो निकल नहीं रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं सच है, कुछ लोग बोल रहे हैं झूठ है, तो भाई एक बार को चिल करो। और ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि भाई जिसके पीछे हमको ना बार बार डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़े, या जिसके पीछे हम मतलब लगी जाए कि हाँ यार ये तो डिस्कस करना बनता ही है,
तो देखते हैं यार, थोड़ा सा सेंसिटिव सिचुएशन है, अगर ऐसा कुछ है तो समझो बात को, एक बार पूरी बात सामने आ जाए सच क्या है, उसके बाद बात कर लेंगे इसकी अगर करनी होगी तो। तो बस यही है, यही कुछ अपडेट्स थे जो आपको देने थे। अभी फ़िलहाल तो मेजर कुछ नहीं है, बट हाँ एक और छोटी सी अपडेट थी कि चेल्सी चाह रही है कि लुकाकू जो है वो इंटर की जगह बायर्न म्यूनिख जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लेवेंडोस्की की जो परसूट है चेल्सी की वो आसान हो जाएगी। तो ये तो देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा तो देखिए कुछ नहीं होने वाला, नेमार टू चेल्सी तो होएगा ही नहीं बिल्कुल, मतलब आप भूल ही जाएं कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं पूरा पोर्चुगल का सीन आपको क्या लगता है और किस तरीके से पोर्चुगल को आगे बढ़ना चाहिए, इफ़ दे आर टू हैव एनी चांस इन द फीफा वर्ल्ड कप कम दिस ईयर लेट ऑन। चलिए गाइस फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड